नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली इसमें हम मेन पर्पस जो होता है वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन स्कोप। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक वैक्यूम चैम्बर होता है, वैक्यूम चैम्बर होता है, उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर ऑब्जेक्ट को भी लगाया जाता है और लेंस को भी फिट किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट भी और लेंस भी इकट्ठे जो हैं वो इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करवाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होकर रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तो वो इमेज को बनाते हैं, यानी उस पर फोटोग्राफिक फिल्म बनती है। तो इसी तरह अगर हम आगे देखें तो इसमें भी मैग्निफिकेशन रेंज आती है, रिजॉल्विंग पावर आती है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड है, यानी ये ज़्यादा हद तक चीज़ को मैग्नीफाई करता है, इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज को देखें तो इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज है 250,000 टाइम्स, यानी कि एक स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये उसको भी 250,000 टाइम्स तक लार्ज कर देता है। इसी तरह अगर हम इसकी रिजॉल्विंग पावर को देखें तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 0.2 नैनोमीटर। सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10,000 मिलीमीटर। सो इस लिहाज से अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ को जल्दी डिटेक्ट करता है और इंटरनली डीपली इसको डिटेक्ट करता है। इस तरह आगे इसकी टू टाइप्स हैं, TEM और SEM। TEM है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और SEM है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब अगर हम इसकी बात करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली करता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही माइनर चीज़ों को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक एटम्स वगैरह को, डीएनए को, प्रोटीन्स को, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि आपके पास ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें तो इसमें हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू स्पेसिमेन, यानी स्पेसिमेन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट किया जाता है और ये बेसिकली इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल उसको स्टडी करने के लिए, यानी कि आपका जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि सेल में इंटरनली क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं उसको स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, यानी इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करवाते हैं बाय स्पेसिमेन। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इसका पर्पज़ ये है कि ये किसी चीज़ को स्कैन करता है, उसको डिटेक्ट करता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करवाते हैं मेटल कोटेड सरफेस के ऊपर, यानी मेटल कोटेड सरफेस लगी होती है उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि सेल के जो सरफेस है एक्सटर्नल सरफेस उस पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये ईच एंड एवरीथिंग की स्टडी के लिए तो यूज़ किया जाता है, लाइक अगर हम बात करें सेल के लिए, सेल के लिए इसको स्टडी किया जाता है। इस तरह प्रोटीन्स, डीएनए, जितने भी हमारे ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गन्स हैं, इनकी स्टडी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, पर लाइफ प्रोसेसेस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चैम्बर होता है और चैम्बर में एयर को रिमूव आउट कर दिया जाता है, एयर को रिमूव कर दिया जाता है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए यानी लाइफ के प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि एयर अवेलेबल हो, जैसे अमीबा, पैरामेशियम, इनकी स्टडी। तो ये इनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव लाइट माइक्रोस्कोप रहता है। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो ये ज़्यादा स्मॉलेस्ट माइनर ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक्स।